मैं बीच सिंधु परिषद से दीप्ति सिंह अवध प्रांत की प्रांत संयोजिका हूँ। हम अपने जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देने गए थे। उनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे समाज में, हमारे देश में जो कुरीतियाँ हो रही हैं, लव जिहाद का जो एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है, जिस पे जिहादी फंडिंग भी हो रही है और पूरा एक टारगेट है, एक मिशन है, उस मिशन को लेकर ही काम हो रहा है समाज में। आप देखिए, अधिकतर जूस वाले, एक नाई, एक टेलर, ये सारे मुस्लिम ही हैं। टेलर के यहाँ हमारी बहनें जाती हैं, अपने कपड़े सिलवाती हैं, वो नाप लेते हैं, धीमे धीमे वो टच में आते हैं और इतना प्यार से बोलते हैं कि हमारी लड़कियाँ, बच्चियाँ बहल जाती हैं, उनकी बातों में बहक जाएंगी, फिर थोड़ा घूमना फिरना, उठना बैठना होगा और फिर वो फंस जाएंगी उनके लव जिहाद में। अब उनको तो सारा फंडिंग हो रहा है। अभी आपने केरल देखी होगी, उसमें भी दिखाया गया है, वो सच है, ये हो रहा है, मैं समाज में देख रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी बहनें आती हैं जो बताती हैं आके। अभी मेरे ही एक पड़ोस का मुद्दा है, मैं नाम नहीं लूँगी, एक पर्टिकुलर जगह का एक जूस वाला था, वहाँ पे बच्ची स्टेडियम जाती थी और जूस पीकर घर जाती थी, रेगुलर जाना आना होता था। एक दिन उसने, लड़के ने पूछा उससे, जूस वाले ने, कि आप मोबाइल रखती हो? मोबाइल तो रखा हुआ था बच्चे ने, 7th 8th का बच्चा था, बच्ची थी, तो उसने कहा हाँ। क्या सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक चलाती हो? तो उसने कहा नहीं। उसने आके अपने घर में बताया, उनकी मम्मी ने मेरे से बोला कि ऐसा ऐसा वो बोल रहा है। मैं गई, मैंने कहा फेसबुक चाहिए आपको, क्या चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, मेरा लो ना, आप उस बच्चे का क्यों ले रहे? आप आज उसे फंसाओगे, फिर कल यही मुद्दा बनेगा। अगर वो, फिर आप धर्मांतरण का दबाव दोगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे तो अभी आप देख रहे हो फ्रिज में मिल रही है, साक्षी का कितना बड़ा केस हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे केस हैं, मुद्दे हैं जो दब जाते हैं, पता भी नहीं चलते हैं। ये वो मुद्दे हैं जो हाईलाइट होते हैं, जो उन्होंने, जिहादियों ने बहुत हाईलाइट करके इनको मीडिया में रखकर ही बनाया। ये जो क्राइम हुआ है, जो केस हुआ है, इनका लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही कार्य हो रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे लोगों को ये सबक मिले कि आगे ऐसा भी कुछ नहीं करना है। साथ में एक कानून ऐसा भी हो, वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो कानून के दायरे में रख के सजा थोड़ी बहुत ही सही देनी चाहिए, क्योंकि मानवता अगर ख़त्म हो गई तो जंगल राज हो जाएगा। आपने दिल्ली वाले केस का वीडियो देखा होगा, वहाँ मानवता नहीं दिखी। एक महिला, मुझे तो लगता महिला में मातृत्व कूट कूट के भरा होता है, और वो महिला खड़े होकर देख रही थी, क्या उसका मातृत्व नहीं जागा कि देखे वो बच्ची कैसे तड़प रही है और वो मर गई? उस समय अगर एक भी बंदा एक ईंट उठा लेता तो हिम्मत नहीं थी, वहाँ इतनी ईंट उठ जाती कि वो अकेला लड़का कुछ नहीं कर पाता। और अब हम अपने देश की लड़कियों से भी कहेंगे, जागो, सुबह हो चुकी है, अगर आप सोए अभी तो फिर से फ्रिज में और गड्ढों में मिलोगे। हमारे यहाँ विश्व परिषद में दुर्गा भाईनी में हम प्रशिक्षण देते हैं, लड़कियों को छुरी का चलाना, तलवार चलाना, ये सारा प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको अपनी स्वयं की रक्षा कैसी करनी है। उस बच्ची को अगर थोड़ा सा भी प्रशिक्षण दिया जाता तो वो स्वयं की रक्षा तो कर सकती थी। तो मैं एक अपनी बच्चियों से और उनके माता पिता से भी अपील करूंगी कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है, हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में बताएं। दिन में एक बार अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे चर्चा करें, उनके साथ भोजन करें, उनको पूजा पाठ सिखाएं, तो हमारी संस्कृति फिर से बनी रहेगी, हमारी बच्चियाँ। रेणु तिवारी, इंद्रनगर से हूँ मैं, अवध प्रांत की मातृका सशक्त प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद से। आज हम लोग ज्ञापन देने गए थे, जो अभी प्रेजेंट है साक्षी का, जो हमारे सामने एक जीता जाता है, इसे कई हमारे सामने कई लव जिहाद है। तो मैं अपील करना चाहूँगी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हम अपनी बहनों से भी, अपनी लड़कियों से भी, बहनों से भी कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अब तो जागो, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो भी अपनी बच्चियों को थोड़ा सा समय नहीं दे रहे हैं, जिससे वो बच्चियाँ जो हैं वो अपने सनातन, अपने धर्म के और अपने संस्कार को नहीं समझ पा रही हैं। देखिए अभी जो मूवी आई, उसमें कितनी बच्चियों ने कहा कि पापा, अपने पेरेंट्स से आके कहा कि मुझे बताते आप मेरे धर्म के। आज हम देखते हैं इन लोगों के धर्म के बारे में बचपन से ही सिखा दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं सीखते हैं, हमारे धर्म के बारे में बच्चियों को कहाँ सिखाया जाता है, वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो हमारी पढ़ाई भी हो रही है उसमें भी हमारे बच्चियों को ये अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, क्योंकि ICSE बोर्ड, जो CBSE बोर्ड है, वो सारा अपना क्रिश्चियन का ही बताते हैं ज़्यादा, वो अपना ही इतिहास बताते हैं, हमारे धर्म के बारे में बच्चे बिल्कुल बहुत दूर दूर तक जा चुके हैं, इसलिए इतने सारे केस हो रहे हैं। फिर भी मैं अपनी बहनों से चाहूँगी
कि मतलब इस पर ध्यान दें और इस चीज़ को देखें, समझें और कोशिश करें कि हम लोग भी इस चीज़ पे अवेयर रहें। और मैं अपील करना चाहूँगी इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे ये चीज़ें ना कभी हों।